पठान मूवी बैन करो, बैन करो, बैन करो, तो इसके कट्टारों को, गली मारो सारे को। पठान के विरोध में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे, वीडियो वायरल होने पर एक्शन लेने की मांग। शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच मुसलमानों से नफरत करने वालों ने पठान का विरोध भी तेज कर दिया है। पठान के अनाउंसमेंट के बाद जब विरोध करने वालों को शाहरुख खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लेकर ही विवाद खड़ा कर दिया। देखते ही देखते बीजेपी नेता और तमाम कट्टरपंथी संगठनों के लोग शाहरुख खान का विरोध करने लगे और बॉयकॉट पठान का ट्रेन चलाने लगे। शाहरुख खान के खिलाफ नफरत और जहर उगलने का नतीजा ये निकला कि बेशर्म रंग सॉन्ग रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंडिंग सॉन्ग बन गया और लगातार बना हुआ है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। देश में माहौल खराब करने वाले लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर विवाद का मुद्दा बना हुआ है और जनता लगातार प्रशासन से वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल स्वतंत्र पत्रकार जाकिर अली त्यागी की रिपोर्ट के मुताबिक पठान फिल्म के खिलाफ रिलायंस व आईनॉक्स सिनेमा हॉल के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता खून बहाने गोली मारने की बात कर रहे हैं। मामला राजस्थान के भिलवाड़ा का है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पठान फिल्म का विरोध करने की आड़ में ये कहते सुना जा सकता है कि शिव का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, देश के गद्दारों को गोली मारो, यानी खुले तौर पर दिन दहाड़े समुदाय विशेष के खिलाफ दंगा भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार ने तंज के रूप में सीएमओ राजस्थान को टैग कर कहा, इन बच्चों को सम्मानित करें। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स लगातार पुलिस प्रशासन से वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, गृह मंत्री जी देखिए, ये कानून व्यवस्था का पूरी तरह से उल्लंघन है। ये पुलिस कर्मियों के सामने गोली खून जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई विरोध या कुछ शांतिपूर्ण भाषण नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ पूर्ण अराजकता है, कृपया कार्रवाई करें। एक अन्य यूजर ने पूछा, क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था है? कट्टरपंथी संगठन से जुड़े कुछ गुंडे थिएटर मालिकों को खुलेआम धमका रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? अशोक गहलोत जी, ऐश मोहम्मद खान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये भाड़े के आहत गैंग के सदस्य हैं जो कहीं भी आतंक मचाने लगते हैं किसी भी मुद्दे पर धर्म के नाम पर, लेकिन ये लोग वहाँ चुप हो जाते हैं जब कोई किसान, युवा, बेरोजगार, मॉब लिंचिंग होती है। बलात्कारियों को संस्कारी बताकर रिहा कर दिया जाता है, दलितों को मारा जाता है, तब ये गैंग मौन रहती है। संतोष कौर नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट में पूछा गया, पहले भी हजारों फिल्मों में हीरोइन ने भगवा रंग के छोटे छोटे कपड़े पहनकर गाने गाए हैं, हिंदू धर्म के रखवाली ये लोग पहले कहाँ थे? जब से बीजेपी आई है तब से इनको अपने धर्म पर प्यार उमड़ने लगा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बदकिस्मती से ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। पठान के विरोध में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी वाले इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।